स्वामी गंगाधर जी महाराज की स्मृति में 81वां सिंधु प्रवाह दिवस एवं वार्षिक भंडारा समारोह आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में बुधवार को मनु मार्ग से स्वामी जी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया, ठंडे पानी और शरबत का प्रसाद वितरण भी किया गया। इस दौरान ढोल पर नाचते हुए भक्त शोभा यात्रा में आगे आगे चल रहे थे। इस दौरान अनेकों श्रद्धालु गुरु के भजनों पर झूम रहे थे और महिलाएं भक्त झाड़ू लगाती हुई सड़क साफ करती हुई चल रही थी। शोभा यात्रा में स्वामी जी की प्रतिमा रथ पर सवार थी, जहां आकर्षक फूलों से सजाया गया था। मनु मार्ग से चलकर शोभा यात्रा नवापुरा मोहल्ला स्थित चेला सिंह गुरुद्वारे पर जाकर पहुंची। इस कार्यक्रम में संत श्री हरभजन सिंह शाह महाराज भी शामिल होंगे। स्वामी गंगाधर जी महाराज की स्मृति में 81वां सिंधु प्रवाह दिवस एवं वार्षिक भंडारा दिनांक 13 जून से बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज 13 जून को स्वामी जी की शोभा यात्रा 6 मनु मार्ग से प्रारंभ होकर मुख्य बाजारों में होती हुई नवापुरा स्थित चेला सिंह गुरुद्वारा पहुँचेगी। उसके पश्चात कल से लंगर एवं शबद कीर्तन का प्रवाह बहेगा। 15 जून को शाम को महाराज जी 8 बजे संक्रांत की कथा करेंगे और संगत को निहाल करेंगे। 16 जून को प्रातः 10 बजे महाराज जी स्वामी जी की जीवनी पर प्रकाश डाला जाएगा। स्वामी जी की स्मृति में कल से 14 जून को अखंड पाठ साहब रखा जाएगा, जिसका भोग 16 जून को डाला जाएगा। क्या नाम है प्रातः? ये 81वां सिंधु प्रवाह दिवस स्वामी गंगाधर महाराज जी का है, जिनकी शोभा यात्रा आज 13 तारीख को यहाँ से निकाली जा रही है 6 मनु मार्ग अलवर से, और ये शोभा यात्रा नवाबपुरा मोहल्ले में चेला सिंह के गुरुद्वारे में शाम को पहुंचेगी। सभी सेवक इसके अंदर पूरे तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। जगह जगह लंगर, जगह जगह ठंडी प्याऊ, जगह जगह नाश्ते इनकी सेवा में हो रहे हैं। कल से सुबह प्रातः 4 बजे से दुग्धाभिषेक से स्वामी गंगाधर जी का दुग्धाभिषेक होगा, और उसके बाद कीर्तन पाठ, और दोपहर को प्रतिदिन लंगर, शाम को लंगर, 3 दिन तक ये सेवा लगातार चलती रहेगी। दूर दूर से गुड़गावा, दिल्ली, देहरादून, कहाँ कहाँ से यहाँ इनके सेवक यहाँ आते हैं, और 16 तारीख को दोपहर को इसकी समाप्ति होगी। स्वामी गंगाधर जी महाराज की जय।